नमस्कार, मैं दया रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज चैनल। जो आपको अवगत करवा दें कि मैं इस टाइम पर मध्य प्रदेश के सीधी जिले से बिलोंग कर रहा हूं, जहां आपको बता दूं स्वदेश न्यूज पर खास खबरों के साथ हाजिर हूं। जहां आपको बताता चलूं कि जिला चिकित्सालय सीधी का मामला बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है, जहाँ पर ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी और एक्सरे कॉपी को लेकर के बदहाली स्थिति जरूर देखी जा रही, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, जो मरीज है यहाँ पर, वो लगातार जब एक्सरे करवाते हैं या फिर उनके पेट में अगर दर्द हो, पथरी हो, किसी भी चीज़ें जो इस तरीके से देखी जाती हैं, तो सोनोग्राफी को लेकर भी लगातार बदहाली की स्थिति है। कहीं ना कहीं एक चीज़ें स्पष्ट देखी जा रही हैं कि यहाँ पर जो मरीज हैं वो परेशान हैं। परेशानी की जो वजह बताई जा रही है, उनका कहना ये है कि डॉक्टर हमें एक्सरे कॉपी नहीं देते हैं। जब डॉक्टर से बात की जाती है तो डॉक्टरों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि हम व्हाट्सएप पर मैंने भेज दिया है, लेकिन आखिर में ग्रामीण से जो व्यक्ति चलकर सामने आते हैं या फिर जो कि कीपैड फ़ोन, छोटा वाला फ़ोन जब यूज करते हैं, तो उन्हें आप व्हाट्सएप पे कैसे एक्सरे का जो डिजिटल प्रिंट है कैसे आप भेजते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसी पूरे मामले पर हम बात करेंगे जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन से और जानेंगे कि आखिर में क्या कहना है इस पूरे मामले पर उनका। आइए देखते हैं क्या उनकी खास रिपोर्ट। अक्सर दवाई करावे के लिए। अच्छा, हाँ। का हो गया था? मारी नहीं है। किसने मारा? कांता दादूलाल पृथ्वीराज रामलाल। एक्सरे करवाया था आपने? हाँ, एक्सरे कराया था, मिल नहीं आया है, नहीं मिला। कई दिन पहले कराया? कल करवाया था। हाँ, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली आया है। कहीं इनके मोबाइल में जाई। और मोबाइल है आपके पास? नहीं है, तबाही ना है, ये ऋषिबुद्धित है तो नहीं आवा। छोटा वाला फोन? हाँ। कहाँ से है? देवरी से। क्या नाम है आपका? सीतावती। राजमन द्विवेदी। कहाँ से हैं आप? पथरौला। पथरौला से? दादर पथरौला। कैसे मारपीट हुई आपके? पूरी खाती मेरी जमीन थी सर, उसी में हमारे ऊपर झगड़ा करने लगे और मारपीट की, एक टांगी से मारे हैं सर। हाँ। कब से यहाँ भर्ती हैं? 4 दिन हो गया सर। उपचार कैसा हो रहा है? उपचार हो गया, एक सुबह से इंजेक्शन दे देते हैं और मलहम पट्टी करके चले जाते हैं, उसके बाद ध्यान नहीं देते। आपकी पट्टी कब हुई थी लास्ट टाइम? कल हुई है। जी सर। अभी सुबह डॉक्टर आए क्या? हाँ, एक इंजेक्शन दे दिए बस। एक्सरे भी हुआ आपका? जी सर। एक्सरे रिपोर्ट मिला आपको? नहीं मिला है अभी। क्यों नहीं मिला? पता नहीं। क्या आपने पूछा डॉक्टर से कि रिपोर्ट का क्यों नहीं मिल रही? हाँ पूछे हैं सर, लेकिन बोले कि फाइल में आ जाएगी। परेशानी क्या आती है एक्सरे फिल्म नहीं मिल रहा? परेशानी कुछ नहीं सर, बस यहाँ पड़े हैं तो पड़े हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक्सरे रिपोर्ट मिलना चाहिए? लगता है सर, मिलना चाहिए। उसकी भी तो कहीं ना कहीं लड़ाई या झगड़े या फिर पुलिस की वारदात में आपको वो लगाना पड़ेगा। जी सर। फिर भी रिपोर्ट आपको नहीं दी जा रही? नहीं दी जा रही है। कहाँ से हैं आप? दादर पंचायत पत्र। नाम आपका? राजमन द्विवेदी। पिता का नाम? स्वर्गीय श्री भैयालाल द्विवेदी। किस थाने अंतर्गत? मझौली। ये प्रोटोकॉल आया है कि जो हमारे यहाँ डिजिटल लग गई है, तो यह है कि हम स्क्रीन का उसका प्लास्टिक जो है उसका उपयोग कम से कम करें, और जो MLC है उसमें हम लोग जो बहुत अति आवश्यक है या जिनको बहुत ज़रूरत होती है तो हम लोग देते हैं, MLC में सभी को देते हैं। बाकी जो उपचार संबंधी हैं उसमें फिल्म जो है चिकित्सक को और जो पेशेंट है उनके मोबाइल में दे दी जाती है। जिनके पास छोटी मोबाइल है वो क्या करें? जिनके पास छोटी मोबाइल है, बड़े गरीब परिवार क्या? हाँ, वो डॉक्टर के पास चली जाती है फिल्म, तो डॉक्टर उनको देख के उसके हिसाब से उपचार कर लेते हैं। लेकिन मैम उपचार की बात नहीं है, अगर मरीज खुद घर पे जा रहा है या अन्य डॉक्टर के दिखाना है उसे, तो उसे एक्सरे कॉपी को कैसे दिखाएगा? फिर वो अगर दूसरी जगह जाते हैं तो डॉक्टर को अपने जो उनको हम लोग रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस में सारा कुछ लिख के भेजते हैं। नहीं मैडम, अगर देखा जाए यहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ डॉक्टर अगर जिला हॉस्पिटल में देखते हैं उसी एक्सरे को तो मान करते हैं, फिर अगर उनके उनके बगले में दिखाया जाए तो वो दोबारा प्राइवेट एक्सरे करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं? नहीं, वो दोबारा प्राइवेट की ऐसी वो नहीं है कि प्राइवेट में वो फिर से कराएंगे, अगर एक ही डॉक्टर देख रहा है तो वो फिर से नहीं मांग करते हैं, वो तो मोबाइल में रहता है, उनके फिल्म रहती है। कई ऐसे मामले देखे गए हैं, यही सीधी जिले में देखे गए हैं, अभी भी देखे गए हैं, हाल ही में देखे गए हैं,
और ऐसे पर डे होता है कि गरीबों के साथ उनको लूटा जा रहा है, ऐसा क्या हो? नहीं, ये प्रॉब्लम तो मेरी जानकारी में नहीं है किस तरह कोई प्रॉब्लम। कब तक यहाँ लोगों को फिल्म मिलने लगी, कब तक सिर्फ फिल्म तो वहाँ भोपाल से जो भी स्टेट से आती है तो वो लिमिटेड आती है, और हम लोग को ऊपर से निर्देश है कि जो MLC प्रकरण है या अति आवश्यक है तो उनको ही फिल्म दिया जाए। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे लोगों को फिल्म मिल सके, एक्सरे फिल्म मिल सके, उसके लिए कोई प्रोसेस ऐसा? अगर ऐसा कुछ होगा तो हम मांग करेंगे ऊपर से, क्योंकि हम लोग को लिमिटेड रिसोर्स से मिलता है। अगर बात की जाए तो एक भी व्यक्ति को अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है। नहीं, रिपोर्ट वही बता रहे हैं ना कि डॉक्टर्स के मोबाइल में आती है, पेशेंट के भी मोबाइल में रहती है, उसके पेशेंट को भी हमें देने को मना नहीं है कि पेशेंट को मोबाइल में ऑनलाइन दिया जा सकता है। जैसे गरीब तबके के लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जो आते हैं उनके पास कीपैड है या मोबाइल ही नहीं, वो क्या करें बेचारे? तो डॉक्टर्स के पास है ना, डॉक्टर्स के पास है फिल्म है, वो अब जब वो इलाज अगर करा रहा है तो यहीं कराएगा, और अगर बाहर जाएगा तो फिर बाहर वो ऑनलाइन ही रहता है, बाहर भी सब जगह डिजिटल ही रहते हैं। मैम आपका कहना है कि सिर्फ एक्सरे कॉपी सिर्फ डॉक्टर ही देखें, मरीज ना देखे या उनके परिजन ना देखे? नहीं, मरीज क्यों नहीं देखेगा, मरीज को फिर कैसे देख पाएगा? उनके पास है ना छोटा फोन है, गरीब तबके से व्यक्ति अगर आ रहा है अगर तो कैसे देख पाएगा? मरीज अगर है तो मरीज अगर इतना जानता है मरीज तो फिर उसको अस्पताल आने की नहीं जरूरत है ना। सोनोग्राफी की क्या स्थिति है मैडम, जैसे यहाँ पर जो सोनोग्राफी जैसे सोनोग्राफी में अभी जो डॉक्टर है मतलब सोनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट कोई नहीं है, जो गायनी के डॉक्टर हैं वो अपने गायनी संबंधी जो हैं जच्चा बच्चा की जांच है वो कर लेते हैं। जच्चा बच्चा की जांच हो जाती है, मान लिया जाए कि जैसे आप लोग हो गए या कुछ और डॉक्टर हो कर लिए, कोई पथरी का पेशेंट आ गया जो जेंट्स आ गए तो उन बाहर 1,000 रुपये गरीबों को देना पड़ रहा है सोनोग्राफी के लिए? क्या जिला चिकित्सालय सोनोलॉजिस्ट अभी यहाँ पे पदस्थ नहीं है, कुछ चिकित्सकों को अभी ट्रेनिंग दी गई है तो वो चिकित्सक जब आ जाएंगे वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उनको अलाउ किया जाएगा कि वो जनरल वाला करें। इसके पहले भी तो होता था, जैसे डॉक्टर SB खरे जी थे उन्होंने को पहले करते थे, अभी बंद है, कि वजह क्या है? वो डॉक्टर SB खरे बता पाएंगे, मेरे तरफ से नहीं रोक है, लेकिन शायद उनका सर्टिफिकेट जो भी है जमा नहीं है या जानकारी नहीं है। क्या आप भी परेशान हैं इन सभी गंभीर बीमारियों से? किडनी रोग, हृदय रोग, लिवर की समस्या, कैंसर रोग, अस्थमा की बीमारी, बवासीर, फिशर, भगन दर्द, सर्वाइकल का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, माइग्रेन व सर दर्द, फ्रोजन शोल्डर, इन सभी गंभीर बीमारियों के बारे में जाने सही हुए रोगियों से। गौरव जी आप बताइए, आपको आज 6 दिन हो गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? काफी इम्प्रूवमेंट लग रहा है सर मुझे, और काफ़ी बेचैनी रहती थी, नींद भी नहीं आती थी, अभी अभी सब रिजॉल्व हो चुका है, इसको नींद भी बढ़िया आती है। इसमें बैठने से BP कंट्रोल होता है? BP बिल्कुल कंट्रोल होता है, इसमें 101% कंट्रोल होता है BP। हेलो, मैं परम जैन फ्रॉम बैंक ऑफ थाईलैंड, यहाँ जोधपुर में संध्या जानी देवी हेल्थ रिसोर्ट विच इज़ वेल नोन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीकेरी पेशेंट्स एंड के हिसाब से जो ट्रीटमेंट होता है वो रियली अनबिलीवेबल है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैंने आंखों के सामने लोगों के इंसुलिन बंद होते हुए देखा है, और मेरी मम्मी जो यहाँ पे 10 दिन लेके ट्रीटमेंट लिया तो उनका क्रिएटिनिन लेवल 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में 50% डाउन आ गया, तो विच मीन्स इट्स रियली वर्क एंड आई शुड से 5 स्टार टू द टीम। ओके जी, बढ़िया है किडनी के लिए और मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा है, और ये अच्छी चीज़ है, इससे अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो काफ़ी रिकवर होगा।